नहीं, अब दिन पे दिन सब रूल बदलते हैं ना। आईफोन लग रहा है पीछे। ऐसे लेके आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पार्सल ज़्यादा थे। अभी 25 पार्सल निकाल दिए हैं, तो अभी 10-15 पार्सल और निकालूंगा, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेता हूँ। अभी एक बगीचा है गांव का, वहाँ पे थोड़ा सा खड़े हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा सा राहत भी चाहिए, तो थोड़ा बाग वगैरह में वैसे खड़ा होना पड़ेगा आपको। कंटिन्यू आपको ये लोकेशन अब आपको गर्मी देखने को मिल सकती है। चलिए आगे कुछ डिलीवरी देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड, तैयार है अपनी पहली डिलीवरी के लिए। और एक मुन्ना जी का पार्सल आ गया है, मुन्ना प्रसाद त्रिपाठी। और स्टोरी में ही एक जगह है, वहाँ पे वो रहते हैं, तो चल रहे हैं उनकी हम डिलीवरी कराने के लिए। और ये देखो सामने से कुछ कृषि कार्य बहुत रेयर हो गया यार। ट्रैक्टर विक्टर ने इन लोग की पूरी जगह ही ले। तो चलते हैं फ्रेंड। फ्लिपकार्ट से उनका एक पर्स आया है, तो वो उनको पर्स देना है, उसका पैसा पेमेंट कर दिया गया है, बस हमें उन्हें जाके देना है और दे के बस चले आना है। वो जो घर है वो आपने कई बार देखा होगा, कई बार हमने घर को आपको दिखाया है और अपडेट देखते ही समझ जाओगे कहाँ आ गए हम। थोड़ा बहुत तो पता लगता ही होगा। और इस समय गर्मी बढ़ रही है थोड़ी सी, जैसा कि आप धूप की लाइट देख के आप समझ सकते हो कि गर्मी बढ़ रही है। बस आ गए यहाँ पे, गेट बंद है यार, देखते हैं। अभी जा रहा हूँ फिर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की मुझे रिटर्निंग लेनी है, और बंगाल से वो लोग आए हैं। और बंगाल से जानते हैं जैसे डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं आते हैं बंगाल से, लोग आते हैं हमारे यूपी में काम करने के, उनको बंगाली बोला जाता है। उन्होंने कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ रिटर्निंग मंगाई थी, तो अरे पार्सल मंगाया था, तो उसको रिटर्न कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और थोड़ा सा क्रैक वगैरह है, क्योंकि जैसे मैंने कि देखा है इमेज जो दिखाती है कि डैमेज प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा डैमेज है और कुछ, तो वही जाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों में क्या चेक किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सबसे पहली चीज़ होती है ब्रांड, दूसरी चीज़ होती है उसके साथ मिलने वाला चार्जिंग केबल, जो भी एक्सेसरीज दिखी जाती हैं वो सब हमें मेंशन रहती है, वो हमें फ़ोटो में दिखाता है ये चीज़, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ दी गई है, वो सभी चेक होती हैं। और उसके बाद बस सिंपल सा ही है, और फिर नीचे लिखा रहता है डेंट नहीं होना चाहिए, स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ये वगैरह ऐसा चेक करके हम ले लेते हैं। तो वो तो देखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, प्रोडक्ट जब सामने आता है तभी दिख जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान तुरंत ऐसे ही होते हैं जो जैसा कि बताया जा रहा है। और बस ये है NS29, और उधर फर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और हम इस साइड मौज ले रहे हैं, लेकिन मौज के दिन हो गए ख़त्म, क्योंकि सामने आ गया अवरोध डाइवर्जन और हमें इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। फ्रेंड मैं जितना हो सकता है मैं हाईवे से मैं दूर ही रहता हूँ, हाईवे में ज़्यादा नहीं चलता हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं अंदर जो गाँव के अंदर होते हैं ना, मैं उसी रास्ते से ही मैं जाता हूँ अंदर। मैं ज़्यादा हाईवे पे आना पसंद नहीं करता, और जैसा कि आप देख भी रहे हो इस तरफ गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं और मैं इस तरफ आराम से जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा हाईवे पे नहीं जाता हूँ। चलिए ठीक है, दिखाते हैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की रिटर्निंग, तो बने रहिए अपने भाई के साथ। नहीं भैया, ये थोड़ा सा क्रेक है, जैसे इसका जो तो परसों ही आया, ये हम नहीं दिए क्या ई कॉम देखिए जो है चार्जर केबल भी था। हाँ
केबल भी है, चार्जर केबल। ठीक है, देखेंगे हम, अच्छा लगेगा तो हम उपयोग करेंगे। बहुत पतला बाबू कैलकुलेटर, अरे भैया बहुत बहुत पतला बाबू, बहुत लाइट चमक रहा है करीमा की फोनवा। और सबसे बड़ी की आईफोन लग रहा है पीछे ऐसे लेके, हां सबसे बड़ी चीज कि अगर ऐसे लेके बंदा बा तो कर बहुत सही चूज किए हैं, हां कुछ बात बहुत सही चूज किए हैं। चलिए, अभी मैंने एक मोबाइल की डिलीवरी दी थी जो 1000 रुपये के अंदर ही था, और छोटा सा ही मोबाइल था लेकिन पूरा आईफोन के जैसा दिख रहा था फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और केचड़ा कोई कंपनी आती है, केचड़ा कंपनी का था यार भाई, बहुत अच्छा फ़ोन लगा मुझे, बांध के ऊपर ही देने गया था डिलीवरी। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, एक फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देनी है हमें, और चल रहे हैं उसकी डिलीवरी देने के लिए। और पूरा मेरा हाथ देखो एक बार, इतना गंदा हो गया आज, क्या किया जाए। पूरा यहाँ का जो पूरा चौराहा है पूरा टूट टूट के गिर रहा है, सब तोड़े जा रहे हैं, पूरा डस्ट इधर पे हो रही है भाई। इस टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही है, जगह जगह पे हर एक एक किलोमीटर पे डाइवर्जन, कहीं भी फ्रेश रूट मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि खड़े होने के लिए भी रूट नहीं मिल रहा है कि खड़े होकर हम कहीं डिलीवरी दे सकें, किसी को बुला सकें। धूल इतनी उड़ रही है कि लोग आ ही नहीं रहे हाईवे वगैरह पे, बोले भैया थोड़ा सा अंदर चले आइए, बहुत दिक्कत हो रही है भाई। ये देख लो पूरा सा टूटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब तक ये रास्ते नहीं बनेंगे तब तक दिक्कत होने वाली है। तो चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप डिलीवरी इंजॉय करिए, हम जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देने, और आप थोड़ा सा रिएक्शन नोट करिए कि कैसे क्या हो रही है क्या नहीं डिलीवरी, ये सब तो हम झेल लेंगे, आप नहीं झेलेंगे, आपको एडवेंचर ही दिखाएंगे इसके अंदर, आपको इसके अंदर ही एडवेंचर दिखता होगा। नहीं भाई हमारी हालत ख़राब हो जा रही है इस समय, कसम से लिटरली बता रहा हूँ, हमारी हालत इस समय ख़राब हो जा रही है। अब देखिए इनको हम कैसे काटते हैं। तो अभी देख रहे हैं स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, ये देखिए स्कूल से सब बच्चे छूट रहे हैं, और हाँ देख लीजिए थोड़ा जाम लगने वाला है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगेगा, हाँ तो आगे ही उनकी दुकान है, और चलते हैं देने डिलीवरी, आगे जाम से तो छुटकारा मिले तब ना। भैया कितने का भैया? 1399। 1400 ले लो। अरे भैया आपके हमें को कर दे दे भाई, ले ले भाई, ये तो हम बेच ही लिया कर सकते हैं। कौन सी दू जनी के निपटारा कर लिए? दू जनी निपटारा कर लिए हैं अभी ना के हमरे कम आता का ऐसे में दूसरे के ज्यादा देता है यानी ना वो नहीं तो कौन का खास ना रहो तो कान होंगे कान के नजर 5 कुछ पर डाली है। नहीं नहीं अगर दूसर के भी अभाव था का हाँ तो वाले तो मैं मान ला बारे तेरा बा 99 हाँ 13 देख ले 99 रही क्या बोला पता। अभी जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट से एक रिटर्निंग लेनी है, तो कोई जूता है एशियन कंपनी से, जैसे कि आपको पता होगा ये एशियन कंपनी वंपनी भी अच्छे जूते प्रोवाइड करती हैं, एशियन हो गया सेगा हो गया ये सब भी अच्छे जूते प्रोवाइड कर देती हैं 600-700 में। तो उसी की एक रिटर्निंग लेने जा रहा हूँ मैं,
और एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे एक व्यक्ति रहते हैं जिनको मैंने कल ही पार्सल डिलीवर किया था और उनकी आज उनको डिफ़ॉल्ट लग रहा है, बेकार लग रहा है पार्सल, तो रिटर्न करना है, तो हम जा रहे हैं उनकी रिटर्निंग लेने के लिए। और वो बोल रहे थे कि मैंने उसका रैपर फेंक दिया है ये वगैरह। मैं बोला चलिए ठीक है, रैपर से मतलब नहीं है मेरे को, तो प्रोडक्ट से मतलब है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो मेरे अंदर शो कर रहा है मेरे को, उससे मतलब है। तो मैंने उनको ऐसे ऐसा बताया है, तो अभी चल रहा हूँ उनकी डिलीवरी देने लेने के लिए। थोड़ा सा मैं हाईवे से थोड़ा सा अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक आधी किलोमीटर अंदर जाके थोड़ी सी मेरे को रिटर्निंग मिलेगी, फिर उनकी रिटर्निंग दिखाता हूँ कि वो क्या क्या सी चीज़ें हैं जो कि रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। ऊपर नहीं है, चिपका था वही बस था। जानते हैं सेंटर पे सब यही बोल रहे हैं कि तुम लोग अलग से अंदर कहीं और लेके आ रहे हो। नहीं, अब दिन पे दिन सब रूल बदलते हैं ना। चलिए ठीक है। सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, सेंटर पे सब पहुँच गए, आ गए सेंटर पे और काम हो गया ख़त्म। 37 पार्सल और 6 रिटर्निंग के साथ हमने सेंटर पे आ गए। चलिए इस वीडियो के एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।